बिग बॉस 15 की लाइव फीड में कल शाम सिम्बा ने निशांत और प्रतीक से कहा कि आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत डेजर्ट खाने का मन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विशाल और उमर कब से सोच रहे थे कि आज हम में से कोई जाने वाला है, जहां कुछ देर बाद बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट्स को गार्डन एरिया में इकट्ठा करते हैं और बॉटम 6 कंटेस्टेंट्स को सीढ़ी के ऊपर और उन्हें सपोर्ट कर रहे टॉप 5 में से उनके दोस्त उसी सीढ़ी पे नीचे सेटल होते हैं। बिग बॉस के अनाउंस करते ही शमिता पहुंचती है नेहा को सपोर्ट करने, वहीं करण उमर को और तेजस्वी विशाल को सपोर्ट करती है। वहीं निशांत जय को और प्रतीक अपने नए दोस्त सिम्बा को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से राजीव बिना किसी सपोर्ट के अकेले रह जाते हैं। फिर शुरू होती है टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की रिश्तों की असली परीक्षा, जहां बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि बॉटम 6 में से जो भी कंटेस्टेंट अकेला यानी कि बिना सपोर्ट के रहेगा वो सीधे सीधा इस घर से बेघर हो जाएगा। जिसके बाद करण तो उमर का साथ बनाए रखते हैं, लेकिन तेजस्वी करण और निशांत से ये डिस्कस करती है कि अगर उसने विशाल का साथ छोड़ा तो ये लोग उसे निकाल देंगे। वहीं सबसे बड़ी परीक्षा होती है शमिता शेट्टी की, जहां उसे नेहा और राजीव में से चुनना होता है और वे राजीव को चुनती है। जिसके बाद सिम्बा का साथ छोड़ के प्रतीक को नेहा का सपोर्ट करने के लिए वे मना लेती है और प्रतीक के लिए भी जहां सिम्बा एक नया दोस्त था वहीं नेहा पुरानी दोस्त। और इसी वजह से टास्क के आखिर में शमिता राजीव को सपोर्ट करती है और प्रतीक नेहा को, जहां आखिर में बॉटम 6 में से सिर्फ सिम्बा को कोई सपोर्ट नहीं करता और इसी वजह से सिम्बा को घर से एविक्ट किया जाता है। इस एविक्शन के दौरान सिम्बा को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स द्वारा कॉफिन में लिटा के घर से बाहर भेजा जाता है। जिसके बाद देर रात घर में सभी बात भी करते हैं कि इस वीकेंड भी उसे खाट पे सुलाया गया था और निकालते वक्त भी सुलाया है।